अगर हम इसको बराबर से देखें तो ये पहला वाला जो फॉर्म, पहला वाला जो फेज है उसको हम कहते हैं फॉर्मिंग। फॉर्मिंग में हम कहते हैं वर्किंग ग्रुप। क्या कहते हैं? ओह कम ऑन, क्या कहते हैं? वर्किंग ग्रुप, टीम नहीं कहते हैं, इट्स अ ग्रुप। आप लोग एक ग्रुप हो, टीम नहीं हो। टीम कब? जब एमसी की एक टीम हो गई है, परिवार का एक टीम है, दैट्स अ टीम। बट व्हेन वी स्टार्ट, वी जस्ट अ ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव कम टुगेदर। जब हम शुरू एक ग्रुप में होके हम आते हैं तो क्या होता है, स्टॉर्मिंग फेज में जाते हैं और उसको कहते हैं सूडो टीम। ये क्या है? आज के जो भी मेंबर्स है, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज वगैरह, हाथ ऊपर करिए प्लीज। जो भी बने हैं आज प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज वगैरह, हाथ ऊपर करिए। ये क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्टॉर्मिंग फेज। इसके अंदर आपके ही दिमाग में चल रहा होगा कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है क्या, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूं, कर पाऊंगा क्या, इतना मेरा काम है, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है, घर है, ग्रोथ करना है, एक्सपेंशन करना है, मैं कहां अटक गया। शायद आपके दिमाग में ये थॉट हो सकता है। जैसे आपके दिमाग में थॉट है वैसे ही आपके ग्रुप के अंदर भी ये दिमाग में थॉट चल ही रहा है कि कैसे करेंगे, कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसको हम कहते हैं स्टॉर्मिंग, यानी कि बाहर जैसे ना स्टॉर्मिंग फेस। वहां से अगर उठ के आगे चलेंगे तो हम उसको कहते हैं पोटेंशियल टीम, यानी कि आपके अंदर टीम वर्क करने की क्षमता हो सकती है। परिवार में जाते हैं, जब नई बहू आती है तो वो नई नई आई है, हमको पता नहीं वो कहां से है, उसको पता नहीं, वो आ रही है घर बार सब कुछ छोड़ के, नए परिवार में नया नाम, नया खाना, नया कमरा, नया सब कुछ। अब वो जो है आएगी, उसका हनीमून पीरियड चलता है, उसके बाद जो होता है वो स्टॉर्मिंग पीरियड शुरू होता है। उसको सासू माँ की बारे में कुछ अच्छा नहीं लगेगा, सासू माँ को उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं लगेगा। दिस इज स्टॉर्मिंग फेज। ये स्टॉर्मिंग फेज लंबा चलता है तो वहां पे डिवोर्सेस, अर्ली प्रॉब्लम्स, घर छोड़ने की बातें जल्दी आ जाती है। उसको अगर शॉर्ट कर ले तो फटाफट फैमिली के जो प्रॉब्लम्स है उसको दूर करके हम एक हो जाते हैं, टीम बन जाते हैं। वहां पर हमको लगता है पोटेंशियल के, नहीं मैं इस घर में रहूंगी, परिवार को तोड़ूंगी नहीं, हस्बैंड को कुछ तकलीफ नहीं दूंगी, मुझे इनके साथ ही रहना है, इस परिवार में रहना है, माँ बाप के साथ रहना है। ये आप वाली बात है। बिजनेस के अंदर जब हम टीम करते हैं, व्हेन वी रियली स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, व्हेन अ न्यू मेंबर कम्स इन, ही आल्सो डजंट नो व्हेदर ही इज गोना लाइक दिस प्लेस, लाइक दिस बॉस, लाइक दिस जॉब, सो ही हैज गॉट हिज डाउट्स। तो बिजनेस की बात, जीतों की बात, परिवार की बात। पॉइंट इज दिस, के स्टॉर्मिंग फेस को शॉर्ट रखना है। जैसे मैं आया, अंकिता जी ने कहा कि राहुल वी वांट टू इंट्रोड्यूस यू, तो वहां से आओगे, बट मेरा स्टॉर्मिंग चल रहा था दिमाग के अंदर, नो आई नीड टू गेट माई प्रेजेंटेशन राइट, मैं उसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी वाहवाही के लिए नहीं, वो तो मैं कर लूंगा अगर चाहिए तो माई स्टॉर्मिंग आई हैड टू कीप इट शॉर्ट सो आई कैन स्टार्ट द प्रोग्राम रियली क्विक। वो स्टॉर्मिंग फेस होता है। उसके बाद पोटेंशियल, जैसे आपने देखा एक दो मिनट राहुल को सुनेंगे, बंदे में कितना दम है मालूम पड़ जाएगा, तो आपने मेरा पोटेंशियल चेक किया राइट, और आपको लगा नहीं बंदा ठीक बोलता है, बोर नहीं करेगा, सुन लेते हैं करेक्ट। तो वो परफॉर्मिंग स्टेज में मैं आने की कोशिश कर रहा था, मगर उसके पहले था पोटेंशियल, आपने मेरा पोटेंशियल चेक किया। वैसे ही एक डेढ़ महीने में आपको पता चलेगा कि जो आपने टीम बनाई है उसमें पोटेंशियल है कि नहीं है, उसमें दम है कि नहीं है। बिजनेस जब हम शुरू करते हैं, प्रोजेक्ट नया शुरू करते हैं, तो 3-4-6 महीने पता चल रहा है कि इसमें दम है कि नहीं है राइट। उसके बाद हम चलते हैं परफॉर्मिंग स्टेज। अब परफॉर्मिंग स्टेज मतलब रियल टीम हो चुकी है, हम लोगों ने बातें कर ली है, डिस्कशन कर लिया, प्लान बन गया, स्ट्रेटजी बन गया, नाउ यू जस्ट वांट टू फोकस, पैसे, चैलेंजेस, इश्यूज, सब कुछ आपने देख लिया, एंड दैट इज वेयर यू नीड टू बी। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने जीतों के हर चैप्टर में, एटलीस्ट 18 चैप्टर में मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, और मैं आपको ये कहता हूं कि 18 में मैंने देखे जो जो टीम जबरदस्त काम करती है, उस टीम को काम करने के लिए ये जो पहले वाला तीन फेज है, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, उसको इतना शॉर्ट कर देते हैं कि 3-4 महीने के अंदर उनके जबरदस्त प्रोग्राम शुरू होना हो जाते हैं एंड कंसिस्टेंटली काम करते हैं।